तो मेरे भाई फाइनली 13 साल बाद अवतार 2 थिएटर में लग चुकी है। जेम्स कैमरॉन एक ऐसे जादूगर है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक नायाब तोहफा दिया है। जी हाँ मेरे भाई, यह वह इंसान है जिसने मूवी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को पहले बनाया फिर मूवी को बनाई। और मेरे भाई जो इन्होंने बनाया उसका नाम था फ्यूजन कैमरा सिस्टम, यानी कि एक ऐसा कैमरा जो मूवी को सीधा 3D में शूट करता है। बात करें मूवी की तो मूवी 3 घंटे 13 मिनट की है। मूवी इतनी बड़ी होने के कारण कई जगह लगता है कि मूवी की लेंथ ज्यादा है, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने मूवी के विजुअल्स में इतना दम दिखाया है कि जिससे आप ज्यादा बोर नहीं होते। इस मूवी का जिस तरीके से टाइटल है अवतार द वे ऑफ वाटर, यानी कि ये मूवी पानी के अंदर ज्यादा फोकस करती है। जेक सेली अपने परिवार के साथ पेंडोरा में सेटल हो चुके हैं, जीवन सुख से कट रहा है, बीवी बच्चे है और साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। ऐसे में पुराना विलन लौट आता है, वो भी डबल पावर के साथ, और वो जेक सेली और उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। क्या जेक अपने परिवार को उस दुश्मन से बचा पाएगा, इसके लिए आपको थिएटर में जाकर देखना पड़ेगा। वैसे इसको जो मोबाइल और टीवी की स्क्रीन पर देखने की सोच रहे हैं ना, उनका तो मोबाइल समंदर में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसको जो थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, क्या ही बताऊं। मूवी में अंडर वाटर सीन्स, BGM, एडवेंचर सीन्स काफी बढ़िया है। वैसे ये आदि पुरुष के मेकर्स के लिए एक सबक है कि इसे कहते हैं फिल्म। मूवी में क्रिएचर्स की भी एक अलग ही स्टोरी बताई गई है और इन्हें इस बार काफी बड़े भी बताया गया है। मूवी में आप हर किरदार के इमोशन से कनेक्ट हो जाओगे। मूवी के एक्शन सीन्स कमाल के हैं, चाहे अंडर वाटर फाइट हो या फिर हवा में उड़ते पक्षियों पर लड़ते नावी, और इसका क्लाइमेक्स भाई साहब लाजवाब है। क्लाइमेक्स में जेम्स कैमरून ने टाइटेनिक की याद दिला दी। और ज्यादा कुछ कहूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे आपको यह मूवी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना।